हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएन सिटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 106 करेंगे, क्लास फोर्थ की, जो कि है क्लास फिफ्थ की। ये जो है आज हम सीखेंगे राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल एंड मोर देन राइट एंगल के बारे में। उससे पहले चित्र पहेली। चित्र पहेली है कि दो चित्र एक जैसे दिए गए हैं, चित्र एक और चित्र दो में कुछ गलतियां हैं, तो आपको इन गलतियों को पहचानना है। तो यहाँ पे सिर्फ तीन गलतियां ही हैं और उन्हें पहचानना है। पहली गलती शेडिंग में है, दूसरी गलती यहाँ स्टार्स में है, और तीसरी गलती एरो में है। अब आगे चलते हैं। आगे है कि स्वाति की घड़ी। स्वाति के पापा ने उसे जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार दी। वह घड़ी देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने भैया को अपनी घड़ी दिखाई तो उन्होंने कहा, घड़ी की सुइयां तो समकोण बना रही हैं, क्या आप घड़ी में ऐसा बना सकते हैं समय जिनसे समकोण बने? तो आपको याद है समकोण क्या होता है? कोण की भुजाएं जब अक्षर एल की तरह खुलती हैं तो वो समकोण यानी राइट एंगल बनाती हैं। तो यहाँ पे जब 3 बजेंगे तब समकोण बनेगा, जब 9 बजेंगे तो एक समकोण बनेगा, और जब आपके बजेंगे कितने, आपके जब बजेंगे हमारे तब क्या बनेंगे, समकोण बनेंगे। तो आपके कई सारे तरह के समकोण जो है वो यहाँ से हो सकते हैं। 3:30 पे समकोण हो सकता है, इस तरह से आपके कई सारे जो है वो समकोण हो सकते हैं। आप इस तरह से इनको समझेंगे और बनाएंगे। अब भैया ने स्वाति को बताया कि घड़ी की सुइयां अलग अलग कोण बनाती है पूरे दिन, क्या आप नीचे दी गई घड़ियों की सुइयों से बता सकते हैं कौन से कोण है? तो ये एल से ज्यादा लंबी है, समकोण से ज्यादा लंबी होगी, तो ये समकोण से बड़ा। अगला है समकोण से छोटा, कौन सा? समकोण से छोटा है अगला, और उससे अगला वाला क्या है? उससे अगला वाला जो है वो हमारा समकोण है। तो पहला क्या है? पहला समकोण से बड़ा, अगला समकोण से छोटा, और फिर समकोण। तो बच्चों आप इस तरह से वर्कशीट कर लेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।